बदलो तो नज़ारे बदल जाते हैं, सोच को बदलो तो सितारे बदल जाते हैं। अरे कश्तियाँ बदलने की ज़रूरत नहीं है जनाब, आप दिशा तो बदलो, किनारे अपने आप बदल जाते हैं। फर्क इस बात से नहीं पड़ता कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, फर्क तो इस बात से पड़ता है कि आप खुद अपने बारे में क्या सोचते हैं। जिस तरह एक मरा हुआ इंसान लौटकर कभी वापस नहीं आ सकता, उसी तरह बीता हुआ टाइम भी कभी लौटकर नहीं आता। ये दुनिया अगर आपसे नफरत भी करे तो तुम डरना मत, क्योंकि जिस पेड़ पर फल उगते हैं ये दुनिया उसी पर पत्थर मारती है। कुछ ऐसा करके दिखा कि आज जो लोग तुझे पागल बोल रहे हैं कल वही लोग तुझे सर कहकर बुलाएं। अरे कुछ ऐसा करके दिखा कि जो आज तेरे सपनों का मजाक उड़ा रहे हैं कल वही तेरे जैसा बनने का सपना देखें। और ये सब केवल और केवल तेरी लगन से संभव है। लगन एक छोटा सा शब्द है, लेकिन जिसको ये लगन लग जाती है उसकी जिंदगी बदल जाती है। जिंदगी में कभी किस्मत के भरोसे मत बैठना, हार ना मानने की आदत डाल लेना, यही आदत एक दिन जीतने की आदत बन जाएगी। असफलताएं इंसान को तोड़ देती हैं, जीवन की राहों को एक नया मोड़ देती हैं। जो करता है जी जान से प्रयास पूरा, असफलताएं उसका पीछा छोड़ देती हैं। और अगर तुम किस्मत के भरोसे बैठे हुए हो तो तुम दुनिया के सबसे बड़े बेवकूफ हो, क्योंकि ये दुनिया आगे निकल जाएगी और तुम वहीं के वहीं रह जाओगे। इसीलिए मेहनत करो और बहाने बनाना बंद करो। बहाने आपको कुछ पल की खुशी तो दे देंगे, लेकिन इसकी कीमत आपको भविष्य में चुकानी पड़ेगी। ये बात याद रखना कि इंसान कर्म करने में तो मनमानी कर सकता है, लेकिन उसका फल भोगने में नहीं। ये जिंदगी का कड़वा सच है कि अच्छाई और सच्चाई को ढूंढने के लिए तुम चाहे पूरी दुनिया घूम लो, ये तुम्हें कभी नहीं मिलेगी अगर ये तुम्हारे अंदर नहीं है तो। कमाल का ताना दिया आज मंदिर में भगवान ने, मांगने ही आते हो कभी मिलने भी आ जाया करो। इंसान के दुख की सबसे बड़ी वजह तो ये है कि हमेशा उसे वही चीज याद रहती है जो उसे हासिल ना हो सकी। पहले लोगों ने सिखाया था कि वक्त बदल जाता है, और अब वक्त ने सिखा दिया कि लोग भी बदल जाते हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका शरीर कितना विशाल और मजबूत है, क्योंकि शमशान तक आप अपने आप को नहीं ले जा सकते। आप चाहे कितने भी लंबे क्यों ना हो, मगर आप आने वाले कल को नहीं देख सकते। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी त्वचा कितनी गोरी और चमकदार है, क्योंकि अंधेरे में रोशनी की जरूरत आपको भी पड़ती है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप हंसेंगे नहीं तो सभ्य कहलाएंगे, क्योंकि ये सारी दुनिया आप पर हंसने के लिए तैयार खड़ी है। जिंदगी में हम जो चाहते हैं वो हमें आसानी से मिलता ही नहीं, लेकिन क्या आपने कभी ये सोच कर देखा है कि हम वही चाहते हैं जिंदगी से जो आसान होता ही नहीं। साहिल पर पहुंचने से इनकार किसे है, लेकिन तूफानों से लड़ने का मजा कुछ और ही है। कहते हैं कि किस्मत खुदा लिखता है, लेकिन उसे मिटाकर खुद की किस्मत लिखने का मजा कुछ और ही है। जिंदगी में सफलता पाने के लिए थोड़ा जोखिम उठाना पड़ता है। सीढ़ियां चढ़ते समय ऊपर जाने के लिए नीचे की सीढ़ी से पैर हटाना पड़ता है। कभी टूटते हैं तो कभी बिखरते हैं, विपत्तियों में इंसान ज्यादा निखरते हैं। ये इंसान भी बड़ा अजीब है, जब पैरों से चल रहा होता है तो सोचता है चप्पल होती तो कितना अच्छा होता, बाद में साइकिल होती तो और कितना अच्छा होता, फिर सोचता है मोटरसाइकिल होती तो बातों बातों में रास्ता कट जाता, फिर ऐसा लगने लगता है कि अगर कार होती तो धूप का सामना ना करना पड़ता, और जब ये सब हासिल हो जाता है तो लगता है कि हवाई जहाज होता तो ट्रैफिक की झंझट नहीं होती। और जब यही इंसान हवाई जहाज में बैठकर नीचे हरे भरे घास के मैदानों को देखता है तो सोचता है कि नंगे पैर घास पर चलूंगा तो दिल को कितनी तसल्ली मिलेगी। इंसान की चाहत की कोई सीमा नहीं है, लेकिन अगर आप अपनी जिंदगी को खूबसूरती और जिंदा दिली के साथ जीना चाहते हैं तो हर पल को महसूस कीजिए। ईश्वर को दिल से धन्यवाद दीजिए कि उपहार में दिया हुआ उनका ये पल आपके लिए एक अनमोल तोहफा है जो सिर्फ आपको मिला है। आप बहुत खुशनसीब हैं, क्योंकि जो जिंदगी आपको मिली है बहुत से लोगों को वैसी जिंदगी भी नसीब नहीं है। जिस दिन तुमने ये परवाह करना छोड़ दिया कि लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं, समझ लो उस दिन तुमने अपनी जिंदगी का आनंद लेना शुरू कर दिया है। इसलिए अपनी जिंदगी का भरपूर आनंद लो और अपना पूरा ध्यान केवल अपनी मेहनत पर रखो। अगर आज कमाई से ज्यादा मेहनत कर रहे हो तो याद रखना वो दिन दूर नहीं जब अपनी मेहनत से ज्यादा कमाई करोगे। दिमाग अगर थकने लगे तो काम का बोझ कम कर लेना चाहिए, दिल अगर थकने लगे तो काम का बोझ बढ़ा लेना चाहिए। दुख पर ध्यान दोगे तो हमेशा दुखी रहोगे, सुख पर ध्यान दोगे तो हमेशा सुखी रहोगे, क्योंकि आपका मस्तिष्क जिस चीज पर ध्यान लगाता है वो आपके जीवन में सक्रिय हो जाती है।
हर सुख और दुख की संभावना हमारे हाथ में है, तो ये दुख कैसा, ये शिकायत कैसी? हम क्यों अपने भाग्य को दोष दें और दूसरों को कोसें? जब सपने हमारे हैं तो कोशिश भी हमारी होनी चाहिए, जब मंजिल हमारी है तो यात्रा भी हमारी होनी चाहिए। मानव जीवन की ये यात्रा इतनी सरल नहीं है, इसमें दुख है, तकलीफें हैं, परीक्षाएं और संघर्ष भी हैं। ऐसे में खुद को मजबूत रखकर अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते जाना ही जीवन जीने की एक कला है। तो सकारात्मक सोच के साथ अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते चलिए। और जिन्होंने तुम्हारी इंसल्ट किया ना, उन्हें ब्लॉक नहीं इग्नोर करना सीखो, वरना वो तुम्हारी कामयाबी कैसे देखेंगे मेरे दोस्त।